Hey, what's up, creative people? Welcome back to my channel. मेरा नाम है सुबोध राजम और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में. सो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज, बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ आने वाले कुछ महीनों में और आप बहुत कुछ उससे सीख भी सकते हैं. सो आज मैं बात करूंगा IGTV यानी Instagram TV के बारे में. Instagram ने सिर्फ 2 दिन पहले एक नया प्लेटफॉर्म या फिर आप कह सकते हैं एक नया ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अपलोड किया है जिसका नाम है IGTV. सो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है वर्टिकल वीडियोज के लिए और इसके साथ ही आप जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स को ये लगा होगा कि मैं वर्टिकल वीडियोस कैसे अपलोड करूं, कैसे शूट करूं, कैसे एडिट करूं. सो बेसिकली ये वीडियो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर है. सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट मैं आपको दिखा दूं कि वर्टिकल वीडियोस कैसे शूट किए जाते हैं और उन्हें एडिट कैसे किया जाता है. उसके बाद हम बात करेंगे मेरा पर्सनल ओपिनियन IGTV पे और ये इम्पोर्टेंट क्यों है. सो बेसिकली लेट्स डाइव इनटू माय PC एंड देन आई कैन शो यू सम एडिटिंग स्टेप्स. सो हे गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वर्टिकल वीडियो एडिट करते हैं Adobe प्रीमियर प्रो में. और बेसिकली ये जो स्टेप्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सभी मेजर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए वो सेम ही है. तो आप ये सेम स्टेप्स अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप Adobe प्रीमियर प्रो यूज़ नहीं करते हो तो. सो बेसिकली मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप वर्टिकल वीडियो शूट कर रहे हैं और आप अगर स्मार्टफोन से कर रहे हैं तो आपको आपका स्मार्टफोन वीडियो शूट करते समय वर्टिकली होल्ड करना है, बेसिकली ऐसे, ना कि लैंडस्केप में. तो अगर आप अपने फ़ोन को वर्टिकली होल्ड करके वीडियो शूट निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या शूट कर रहे हैं वर्टिकल पर्सपेक्टिव से और बाद में आप उसको वैसे ही एडिट कर सकते हैं अपने Adobe प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर में. और अगर आप DSLR से वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको वही सेम करना है, आपको अपने DSLR वर्टिकली होल्ड करना है. मुझे पता है फ़ोन वर्टिकली होल्ड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो नेचुरली आप वैसे ही फ़ोन को होल्ड करते हो, पर DSLR नेचुरली हम लैंडस्केप मोड में होल्ड करते हैं और शायद आपको भी मेरे जैसे प्रॉब्लम हो DSLR वर्टिकली होल्ड करने में. पर लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर दिस IGTV प्लेटफॉर्म विद आवर DSLR. सो लेट्स मूव टू माई कंप्यूटर स्क्रीन सो आई कैन शो हाउ टू एडिट वर्टिकल वीडियोज. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक नया सिक्वेंस डिफॉल्ट सेटिंग्स में क्रिएट किया है और बाद में मैं यहाँ पे मेरा फुटेज इम्पोर्ट कर रहा हूँ. सो मैं अपना फुटेज टाइमलाइन पे डाल रहा हूँ तो मुझे Adobe Premiere Pro पूछ रहा है कि ये जो सेटिंग्स है, जो सीक्वेंस की सेटिंग्स है और जो वीडियो फुटेज की सेटिंग्स है वो मैच नहीं करी है. सो मैं वीडियो फुटेज की सेटिंग्स की तरह मेरे सीक्वेंस की सेटिंग कर रहा हूँ. सो उसकी वजह से मेरा सीक्वेंस भी अभी लैंडस्केप मोड में हो चुका है. ये जो वीडियो है वो मैंने मेरे Canon 700D DSLR से शूट की है और वो पूरी तरीके से नेचुरली लैंडस्केप फुटेज है. सो बेसिकली मैं बाद में क्लिक करूँगा मेरे सीक्वेंस पे यहाँ पे जाके और उस पर राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा सीक्वेंस सेटिंग पे. तो आपको यहाँ पे करना यह है जो इम्पोर्टेंट स्टफ है वो है फ्रेम साइज. सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं 920 हॉरिजॉन्टल और 1080 वर्टिकल साइज है इस सीक्वेंस का और ये 16:9 रेशो है. सो बेसिकली हमें यहाँ पे रेशो चाहिए 9:16 जो कि इसका टोटली उल्टा है. तो हमें बस यहाँ पे करना यह है कि यहाँ पे 920 की जगह 1080 लिखना है और 1080 की जगह 920 लिखना है और बूम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी सीक्वेंस है 9:16 और आपको बस क्लिक करना है ओके पर. और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे सीक्वेंस साइज वर्टिकल हो चुकी है पर अभी मेरा फुटेज है वो ज़रा वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है. तो उसके लिए आप कर सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके आप फुटेज को थोड़ा जूम कर सकते हैं और बूम, आपको मिल गई वर्टिकल वीडियो. ऑफ कोर्स ये वीडियो लैंडस्केप में शूट की गई हुई थी और ये अभी वर्टिकल में बहुत ही जूम्ड इन लग रही है. अगर आप वीडियो वर्टिकल में ही शूट करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा जूम इन वीडियो का. जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो है जो मैंने फ़ोन से मेरे वर्टिकली शूट की थी, अगर मैं ये वीडियो यहाँ पे डालता हूँ सो बिकॉज ऑफ मैंने ये वीडियो वर्टिकली शूट की थी तो ये परफेक्टली वर्टिकल सिक्वेंस साइज में फिट हो रही है. और इसी के तरीके से अगर आप फ्यूचर में वर्टिकल वीडियो निकालेंगे और वर्टिकल सीक्वेंस में उस वीडियो को इंपोर्ट करेंगे तो आप इजीली वीडियो को एडिट कर पाएंगे और आपको कुछ भी उसमें जूम इन नहीं दिखेगा. सो बाद में आपको वीडियो एक्सपोर्ट करनी है नॉर्मल सेटिंग्स में, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ.
सो बेसिकली आपको एक्सपोर्ट सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना जो नाम है मैच सोर्स करके एक्सपोर्ट कर देना है, बस यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। सो बहुत ईजी था IGTV पे वर्टिकल वीडियोस शूट करना और अपलोड करना। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन IGTV पे क्या है, मैं बहुत शॉर्टली आपको बताऊंगा कि IGTV बेसिकली एक नया प्लेटफॉर्म है और वो इंस्टाग्राम की तरफ से है। इसकी वजह से मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लगता है कि यूट्यूब के लिए कुछ तगड़ा कॉम्पिटिशन फ्यूचर में हो सकता है, तो वो IGTV हो सकता है। पर वर्टिकल वीडियोज़ मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं चलेंगे, मुझे खुद पर्सनली वर्टिकल वीडियोज इतने पसंद नहीं है। पर मेरे ख्याल से आप वर्टिकल वीडियोज़ में छोटे से व्लॉग बनाएंगे या फिर फनी वीडियोज़ बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से वर्टिकल वीडियोज़ के लिए ये सब चीज़ें ठीक है। पर अगर आप कुछ हाउ टू मेक वीडियोज़ या फिर ट्यूटोरियल वीडियो या फिर एक बहुत अच्छी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से लैंडस्केप वीडियो ही उसे जस्टिस दे सकता है। वर्टिकल वीडियोज़ में स्पेशली स्क्रीन वर्टिकल होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारा एरिया अनकवर हो जाता है और आपको सिर्फ वर्टिकली कवरेज मिलता है एक पर्सन का। सो बेसिकली जब वीडियो टॉकिंग वीडियो हो या फिर व्लॉगिंग स्टाइल की वीडियो हो, जैसे कि मैंने कहा जिसमें पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम मेरे ख्याल से वर्टिकल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी इंस्टाग्राम के IGTV प्लेटफॉर्म पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है और उसके बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं की है। जैसे कि यूट्यूब यहाँ पे अपने क्रिएटर्स को कुछ रेवेन्यू पे करता है जो यूट्यूब कमाता है। सो बेसिकली उसकी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं और वीडियो प्रोड्यूस करते हैं। सो फिलहाल तो इंस्टाग्राम ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और सेकेंड बात यह है कि IGTV पे अभी भी आप वीडियो उसके नाम से सर्च नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक क्रिएटर फोकस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ आप क्रिएटर का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मुझे ढूंढना हो तो आप सुबोध रजम सर्च करके मुझे वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। मैंने कल ही एक नई वीडियो अपलोड की है, थोड़ा बहुत मैं भी ट्राई कर रहा हूँ IGTV पे अपलोड करने का। हर हफ्ते मैं एक नई वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन IGTV ऑन इंस्टाग्राम, सो मैं आपको वहाँ पे बिहाइंड द सीन्स दे पाऊंगा और थोड़े छोटे मोटे व्लॉग वर्टिकल स्टाइल में नए नए एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे वहाँ पे। और मेरे ख्याल से IGTV पे फिलहाल तो कुछ भी कॉपीराइट के बारे में बात नहीं की है, तो वहाँ पे स्टोलन स्टफ अपलोड होना बहुत ही नॉर्मल हो सकता है अभी फिलहाल के लिए। और शायद आप एक कॉपीराइट सॉन्ग लेके भी उसको बैकग्राउंड म्यूजिक बना के वहाँ पे अपलोड करेंगे, तब भी आपके वीडियो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो बेसिकली ये सभी चीज़ें IGTV को इम्प्रूव करनी है आने वाले वक्त में, और मेरे ख्याल से वो आने वाले वक्त में ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और मेरे ख्याल से अगर वो लैंडस्केप वीडियो के लिए भी एक अलग सेक्शन बना दे तो बहुत अच्छा होगा, और मेरे ख्याल से तो ही वो यूट्यूब को कम्पीट कर पाएंगे। तब तक तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब को कम्पीट करना कुछ इजी चीज़ है, बिकॉज आई ऑल्सो लव यूट्यूब। और यूट्यूब कैसे भी हो, पर हम सभी जब वीडियो देखना है इंटरनेट पे तो यूट्यूब पे ही जाते हैं। सो ये थी क्विक वीडियो। मैं आने वाले कुछ दिनों में हाउ टू मेक प्रोफेशनल टाइम लैप्स की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो अगर वो वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक दैट बेल आइकन और लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट मोटिवेट्स मी लॉट। ओके, सो यही सब था बात करने के लिए, तो वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।